हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हरी धनिया और हरी लहसुन की चटनी। उसके लिए हमको चाहिए हरी धनिया, मिर्ची, अदरक, हरा लहसुन, यूजुअल लहसुन वाइट वाला और नमक। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ आम। इसमें हमने तेल और नमक मिलाकर रख दिया था और कुछ दिनों के बाद अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ पिकल, मतलब हम इसे अचार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और यूजुअल चटनियों में भी हम इसे डाल सकते हैं। अब जितनी भी हमारे मटेरियल्स हैं, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अभी जितने भी हमारे यहाँ पे मटेरियल हैं हम लोग उसको अच्छे से जार में डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप कि हमने अपनी चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये कितना प्यारे टेक्सचर में आ गया है। अभी हम इसे सर्व कर लेंगे। और इस चटनी का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे 1 से 1.5 हफ्ते तक अपने किचन में स्टोर कर सकते हैं और हम ज़्यादा टाइम तक इसको अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और आप इसको अपनी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत बहुत यमी लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट अ लाइक। थैंक यू।